तो hey so, की date release हो चुकी है, 5th 2024 को NEET का होगा। से हैं तुम्हारे पास preparation के लिए। आज बात करेंगे क्या माइंड रहना चाहिए तुम्हारा अब आगे ये कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं होने वाली है बिकॉज वीडियो बहुत सारी अवेलेबल है यूट्यूब पे और तुमने भी बहुत सारी देख रखी होगी इसमें मैं तुम्हें माइंडसेट बताऊंगा तुम्हारे माइंड की सिचुएशन क्या होनी चाहिए अब बिकॉज देखो अगर तुम्हारा माइंड सेट क्लियर है ना तो तुम स्ट्रैटेजी तो खुद भी बना लोगे बट अगर तुम्हारे पास क्लियर माइंड नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी तुम ले आओ वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी सो so, इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को सो so, पहली चीज जो तुमको अपने दिमाग में रखनी है वो है फोकस ऑन द एक्शन नॉट ऑन सिचुएशन देखो एक कहानी से समझते हैं दो क्रिकेटर हैं राम श्याम दोनों ही ऑलमोस्ट सेम स्किल के प्लेयर हैं दोनों ही लास्ट तीन मैचों में जीरो पे आउट हुए हैं और फोर्थ मैच में भी दोनों ही अभी जीरो पे खेल रहे हैं बट श्याम क्या कर रहा है वो अपनी सिचुएशन को कोस रहा है वो कह रहा है यार पिछले तीन मैच से भी कुछ नहीं किया अभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं बहुत खराब प्लेयर हूं खुद पे गुस्सा कर रहा है परेशान हो रहा है जबकि दूसरी तरफ जो राम है वो शांति से अपनी हर एक बॉल को एंजॉय कर रहा है वो बस अपनी हर एक पर्टिकुलर बॉल पे फोकस कर रहा है और उसको अच्छे से मारने की ट्राई कर रहा है अब ऐसे में तुम बताओ तुमको क्या लगता है सेंचुरी मारने के चांसेस किसके ज्यादा हैं ऑब्वियसली राम के रीजन बींग वो अपने पास्ट को लेकर रो नहीं रहा वो फ्यूचर की चिंता नहीं कर रहा कि मैं मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा मैं आउट हो जाऊंगा नहीं नहीं खेल पाऊंगा वो चिंता नहीं है उसको वो अपने प्रेजेंट पे ध्यान दे रहा है वो अपने प्रेजेंट पे हंड्रेड परसेंट एफर्ट दे रहा है इसका रियल अपने पे फोकस किया। मैंने बस ये ट्राई किया कि बस मैं अपनी तरफ से हंड्रेड परसेंट दू अगर मैं कर सकता हूं तो तुम तो डेफिनेटली कर ही सकते हो मुझे पता है तुम लोग कहोगे कि यार तुम्हें मेरी सिचुएशन नहीं पता तुम्हें हमारी सिचुएशन नहीं पता बट बिलीव मी मुझे पता है तुम लोग कितने स्ट्रेस में हो हो कितने पैनिकनेस में हो, मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ बट एक चीज समझो कि यार सिचुएशन पे फोकस करेंगे ना तो अपन कुछ नहीं कर सकते बिकॉज हमारे हाथ में नहीं है जो होना था वो हो चुका है लेकिन हम क्या कर सकते हैं जो अपना प्रेजेंट है यानी कि अपना जो एक्शन है उस पर फोकस कर सकते हैं बिकॉज फोकस ऑन द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल जिस चीज पे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको उस पर फोकस मत करो वो नहीं तो तुमको परेशान करेगी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पैनिक करने से स्ट्रेस करने से क्या तुम्हारी सिचुएशन बदल जाएगी नहीं बिल्कुल नहीं बदलेगी मैटर नहीं करता कि तुमने अभी तक क्या किया है बिकॉज उस चीज को अब तुम कंट्रोल नहीं कर सकते बट मैटर करता है कि तुम अगले सात महीने क्या करोगे क्या तुम सात महीने अगले हंड्रेड परसेंट देने को तैयार हो क्या तुम बारह तेरह घंटे पढ़ने को तैयार हो क्या तुम पागल होने को तैयार हो बिकॉज अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए अगर तुम्हें नीट फोड़ना है तो तुम्हें पागल तो देखो होना ही पड़ेगा और जब पागल होने की बात आती है तो फिर प्रोकास्टिनेशन बैकलॉग इसका सवाल ही नहीं बचता तुम्हें इनसे लड़ना ही पड़ेगा अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम पागल होना चाहते हो नीट के लिए या नहीं खैर आगे बढ़ते हैं सेकंड चीज पे सेकंड चीज है डोंट सरेंडर टू योर प्रॉब्लम देखो गॉड नेचर जो भी तुम बोलो वो तुमको टेस्ट करेंगे कि तुम सच में डॉक्टर बनने के लायक हो क्या तुम सच में उस स्टेटोस्कोप के लायक हो अब वो एक फिल्टर लगा के रखते हैं प्रॉब्लम्स का अब तुम्हें अगर डॉक्टर बनना है तो तुम्हें इस फिल्टर को पार करना है और याद रखना ये सारी प्रॉब्लम्स ना टेम्पररी है अगर तुम इनके सामने बस टिके भी रहोगे ना कुछ टाइम बाद ये खुद चली जाएंगी चीज है कीप योर रीजन क्लियर तुम्हारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए अगर तुम सच में नीट को फोड़ना चाहते हो अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है ना वो देखो तुमने वो जंपिंग वाला गेम तो खेला ही होगा है ना अब उसमें जब तुम ऊपर होते हो यानी पे होते हो जब तुम्हारी लाइफ में चल रहे होते हैं तब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती तब तुम इंजॉय कर रहे होते हो मजे ले रहे होते हो बट जब डाउन आता है ना तब तुम्हें किसी सपोर्ट की जरूरत होती है और ये सपोर्ट ना तुम्हें तुम्हारा रीजन प्रोवाइड करेगा हो सकता है तुमको अभी जो मैं कह रहा हूं वो समझना है बट बिलीव मी जब भी तुम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा डाउन फील करो अपनी प्रिपरेशन में लगे कि बस अब नहीं हो पाएगा इस चीज को सोचना इस वीडियो को देखना तब समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंस है रीजन की और तब रीजन ही होगा जो तुमको वहां पे सपोर्ट देगा और तुमको वापस से ऊपर उछालेगा तुम्हें अब के लिए प्रमोट करेगा बाकी तुम मुझे फॉलो करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता बट इन तीन चीजों को प्लीज फॉलो करना ये बिल्कुल माइंड चेंजिंग है गेम चेंजिंग है जब भी तुम लो फील करो एक बारी इस वीडियो को वापस देखना सच कह रहा हूं तुम बिल्कुल एनर्जेटिक फील करोगे और अगर तुम यहां तक बने हुए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में